रायबरेली जनपद के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महदेवन का पुरवा का रहने वाली एक विविता ने अपने 3 बच्चों और देवर के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं नदी में डूबने से देवर व 3 बेटियों की मौत हो गई और महिला को ग्रामीणों ने बचा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से देवर व 2 बेटियों के शव को बरामद कर लिया। वहीं एक की तलाश जारी है। दरअसल पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पूरे महादेवन का पुरवे का है। रामगली अपने पिता की पिटाई से परेशान होकर आज सुबह में विकलांग देवर व अपनी 3 बेटियां हिमांशी देवनी और रोशनी के साथ पास ही के अधोरा नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया जिसमें देवर व 3 बेटियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने महिला को बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देवर व 2 बेटियों के शव को निकाल लिया है। वहीं एक की तलाश जा रही है। महिला से पूछने पर उसने बताया कि उसके देवर के साथ अवैध संबंध में शक में उसके पति उसको मारते थे जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रायबरेली ब्यूरो हर्ष द्विवेदी की रिपोर्ट। सर क्या घटना है? पूरी घटना का क्रम इस प्रकार है कि गांव महादेवन थाना हरचंदपुर में एक महिला और उसके देवर और उसके 3 बच्चों की यहाँ पे डूबने की बात आई थी। सुबह सूचना मिली थी और महिला को तो बचा लिया गया लेकिन उसके 3 बच्चियाँ थी वो डूब के मर गई। उसका देवर वो भी डूब के मर गया है। बच्चियों में 2 की डेड बॉडी बरामद हुई है। जो सबसे छोटी बच्ची है उसकी डेड बॉडी अभी बरामद नहीं हुई है। पुलिस मौके पे है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या निकल गया है? सर सुसाइड है? सुसाइड है और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि पति पत्नी कल विवाद हुआ था और उसी आधार पे पत्नी ने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया था। पत्नी को बचाया गया है। बच्चियों में सबकी डेथ हो गई है। 2 की रिकवरी हुई है। सबसे छोटी बच्ची भी नहीं मिली। सर क्या देवर से कुछ इसके संबंध थे तभी देवर? अभी ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद जो भी स्पष्ट आएगा सामने आएगा।